हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्विज में टॉप मिक्स क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड दिया जाएगा और जो भी आंसर डालेंगे उसको उसका आंसर दिखेगा सही या गलत। सही हो गया तो ग्रीन होगा, रेड गलत हो गया तो रेड होगा, और सही क्या है ये पता चल जाएगा वहाँ पर, एक टिक लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है तो किन के द्वारा। तो जब भी हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है तो ये संसद कानून बना करके करता है। संसद ही राज्य का सीमा निर्धारण करता है, राज्य को घटा बढ़ा सकता है, राज्य बना सकता है, राज्य को किसी के साथ विलय कर सकता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट को भी वही बना सकता है, क्योंकि संसद को जनता ने सारा अधिकार दिया हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो ताप जब बढ़ता है तो प्रतिरोध उसका घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो चालकता बढ़ेगी इसका मतलब उसका प्रतिरोध जो है, उसको रुकावट रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए ये घटता है वाला आंसर हुआ। थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की। तो थानेश्वर में पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। पुष्यभूति किसके उपासक थे, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, शिव के या विष्णु के। तो ये शैव थे इसलिए शिव के उपासक कहे जाते हैं। सुचालक पदार्थ में संयोजन पट्टी तथा चालकता पट्टी के बीच चौड़ा वर्जित होता है, क्षेत्र पतला वर्जित क्षेत्र होता है, कोई रिक्त स्थान नहीं होता या इसमें से कोई भी नहीं। तो सुचालक पदार्थ में संयोजन पट्टी और चालकता पट्टी के बीच जो है गैप नहीं होता है। गैप नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है और वो सुचालक यानी बिजली को इधर उधर जाने में मदद करता है। अगर कोई गैप होगा तो वो कुचालक हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर गैप नहीं होता यानी कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जो है किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो महावीर को साल वृक्ष के नीचे हुआ था और बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, रडार उपयोग में आता है कब आता है। वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करना, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। तो रेडियो तरंग के द्वारा, ये जो रडार होता है ये रेडियो तरंग आसमान में छोड़ते रहता है हमेशा, और जैसे कोई वस्तु क्रॉस करता है तो उस समय जो उसका रिटर्निंग का पावर है वो रिटर्न आ जाता है। अगर कोई वस्तु नहीं है आसमान में तो रेडियो तरंगे चलते रहता है, आसमान में चला जाता है, रिटर्न नहीं होता है। लेकिन जैसे कोई वस्तु होगा वहाँ पर तो उससे टकरा कर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने का मतलब है कि पता चल जाएगा कि कौन वस्तु वहाँ पर कितना दूरी पर है। कुचालक पदार्थ में संयोजन पट्टी तथा चालन पट्टी के बीच में वो जो क्षेत्र होता है वो चौड़ा होता है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। त्रिवेंद्रम, कोच्चि, एर्नाकुलम, कोट्टायम। एर्नाकुलम हमारे सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हाई कोर्ट का बात है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, हर राज्य में होता है, कहीं कहीं एक ही हाई कोर्ट अलग अलग राज्य का भी संभालता है। हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। महाराजा, महाराजाधिराज, कविराज। तो महाराजाधिराज का उपाधि इन्होंने धारण किया था, सही आंसर हो गया। पचास क्वेश्चन आना है, दस क्वेश्चन हो चुके हैं। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, सही है। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, इसमें फिजिक्स का भी आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट का, कंपटीशन की तरह। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो भुवनेश्वर हमने मारा, गलत हो गया, कटक में है। महावीर ने अपने शिष्य को गंधर्वों में विभाजित किया, कितने भागों में बांटा था। 11 भागों में बांटा था, हमने तुक्का ही मारा था लेकिन ये सही हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस तीस सेकंड में चुकी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए घबराएं नहीं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? परिक्रमा पृथ्वी करता है, पृथ्वी के निकट है, गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमूल से वेग कम होता है। यही सही है, पलायन वेग उसका ज़्यादा होता है, पलायन वेग का ही यहाँ पर एक कारण है जो कि उड़ जाता है सारा कण। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है ये सब छोड़ा जाता है, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए या वहाँ से एक सेब छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? कम गतिमान होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान अधिक गतिमान होगा, इसमें उसका गति क्या होगा? तो चूँकि वहाँ पर जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता है, लेकिन इसी हिसाब से हमने अधिक गतिमान मार दिया था, लेकिन ये नहीं होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होते रहेगा, चलते रहेगा। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें थे इसमें पार्श्वनाथ, और पहला था ऋषभदेव जी, और 24वां था महावीर। यहाँ ध्यान रखना है, तो यहाँ 23वां पूछा गया, यानी 24वां से एक पहले, महावीर के पहले, तो वो पार्श्वनाथ थे 23वां तीर्थंकर, मतलब उनके जो गुरु थे, प्रचारक थे, वो मुख्य गुरु होते हैं वो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ये विश्वामित्र मुनि ने की है। यहाँ पे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, ऋषभदेव ये सब हैं। वाल्मीकि रामायण का रचना किए थे, तुलसीदास ने रामचरितमानस का, ऋषभदेव वो जैन धर्म का प्रवर्तक थे, और विश्वामित्र यहाँ पर गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में स्थापना किया है इन्होंने, ऋग्वेद की रचना करने के समय में। सही हो गया है। महाजनपदों में कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। आप बुद्ध का कहानी पढ़ते होंगे तो श्रावस्ती पढ़ते होंगे, और कौशल का भी नाम सुनते होंगे, तो ये वही है, उनकी राजधानी थी श्रावस्ती, शहर का नाम था, जैसे अभी बिहार की राजधानी पटना है उसी तरह से कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर होती है, यही होना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं। हमने लास्ट वाला मार दिया, गलती हो गया, पहला ही होना था कि उसका जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके अंदर होता है, ये समझिए, इसलिए वो गिरता नहीं है। जैसे बाहर आ जाएगा वेट उसका, वो गिर जाएगा। मगध की राजधानी आधुनिक क्षेत्र अभी कहाँ है? तो वो अभी पटना जो है यही मगध की राजधानी हुआ करता था, पहले राजगीर भी हुआ था, वो ऑप्शन में है नहीं। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवा चूँकि जानते हैं कि हमेशा गति करते रहता है, चलते रहता है, इसलिए गतिज ऊर्जा होनी चाहिए इसमें, हवा रुकेगा, और हवा ही नहीं कोई भी स्थितिज ऊर्जा में उसका ऊर्जा नहीं होता है, जब चलता है तब मूव करता है, तब गति होने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पादन होता है। हवा कैसी गतिज ऊर्जा का प्रयोग, जो हवा द्वारा पंखा चलता है उसमें काम किया जाता है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर।
हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हर्ष चरित्र को हर्ष ने नहीं लिखा था, बानभट्ट ने लिखा था, तो इसलिए यह सही हुआ। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा, उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? तो महावीर की भाषा ये प्राकृतिक थी, ध्यान रखिएगा। और भगवान बुद्ध का जो भाषा था वो पाली था, और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उर्दू फारसी ये मुगलों के समय का भाषा था। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम जय संहिता है महाभारत का। आप इसको भारतवर्ष ना समझ लें, भारतवर्ष भारत का नाम पुराना है, महाभारत का नाम जय संहिता है। सही हो गया। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? अंतरिक्ष में चली जाएगी, नहीं वापस पृथ्वी पर आएगी, क्योंकि 11.2 किलोमीटर से भेजने पर वो अंतरिक्ष में चली जाती है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यहाँ 8 किलोमीटर से भेज रहे हैं, इसका मतलब वो रिटर्न हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? मेगास्थनीज, वैनसांग, इत्सिंग, फाइयान। वैनसांग सर। महाकाव्य कितने हैं? दो, रामायण और महाभारत दो महाकाव्य भी माने जाते हैं। 4 वेद होते हैं। ऋग वैदिक काल में युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे माना जाता था? तो इंद्र। इसमें आप लोग भी सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, जानकारी है तो अच्छा है, नहीं तो फिर इसको सही माने, मेरा भी गलती हो सकता है। जहां गलती हम गेस कर लेते हैं तो वो रेड से अलर्ट करता है और फिर सही टिक का निशान लगता है जो सही होता है। जैन धर्म के महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें महावीर थे, 28वें पार्श्वनाथ थे, और पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? हर्षवर्धन ही था, संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत पर इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया गया, हर्षचरित्र लिखे इन्होंने और अपना काल भी चलाया इन्होंने। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन, सेल्सियस।
पॉइंट रिमूवल केल्विन होना चाहिए। केल्विन 200, केल्विन जीरो का मतलब होता है माइनस 272। केल्विन में जीरो का मतलब सब कुछ शून्य पर आ जाना। ऋग्वैदिक काल में आंधी तूफान का देवता कौन था? तो ये फिर मरुत हो सकते हैं, मारुत नंदन जानते हैं, बोलते हैं हनुमान जी को, पवन पुत्र भी है कहते हैं, यानी पवन और मरुत एक ही है। पवन मतलब आंधी तूफान के देवता, पवन देव का नाम यहाँ मारुत बोला गया है। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी कौन था? सैवियन, पुहार, कांतन, करिकाल। थोड़ा गेस कर सकते हैं, अब मार देते हैं तुक्का, गलती हो गया, करिकाल फेमस है। संगम काल के चोल शासक में सबसे प्रतापी करिकाल था। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा, हाथी, सांड और शंख। सांड या शंख में होगा, शंख लगा देते हैं, सांड है सही, गलती हो गया। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? दुमका, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग। दुमका में की गई है, रांची में। अच्छा, रांची राजधानी है झारखंड के। आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों जैसे एल्युमिनियम, गैलियम आदि अपद्रव्य को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाने से वे हो जाते हैं? प्रकाश चालकी, एक एन टाइप का चालक, एक रोधी, एक पी टाइप का चालक। एन टाइप के होना चाहिए, नहीं, पी टाइप का चालक होते हैं। और चालक में बदलता है लेकिन पी टाइप में बदलता है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। चालुक्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था, नहीं, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। शिलादित्य के नाम से जाना जाने वाला शासक कौन है? हर्षवर्धन, इसको इनको उपनाम दिया गया था शिलादित्य। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? सीता, सिरा। अच्छा, लोहे वाला भाग जो है वो सिरा कहा जा रहा है उत्तर वैदिक काल में। सीता, उसके द्वारा बने गए चिन्ह को कहा जाता था। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुआ था? शायद 12 वर्ष के बाद हुआ था, तपस्या किया था। आओ।
महाजनपद की जनपद अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी हम्पी थी शायद, गलती उज्जैन हो गया। अच्छा, अवंती का राजधानी उज्जैन था। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है? ये तो दिल्ली का है, अभी तत्काल में इसका इस पर अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा भी था कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ अब कर दिया जाना चाहिए। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों के समय में युधिष्ठिर ने अपना राजधानी बनाया था वहाँ पर। कृष्ण ने जो है वो खांडवप्रस्थ था, उसको जंगली इलाके को अच्छा से मैदानव के द्वारा शक्तिशाली बनाया और जादुई टाइप का इंद्रप्रस्थ बनाया था जिसको राजधानी युधिष्ठिर ने बनाया। तमिलों के तीसरे महान संगम का पीठ स्थित था तंजौर में, मदुरै में, कांची में? तमिल का हो सकता है तंजौर में हो, मदुरै में। अच्छा, महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति बने जिनका नाम था जामिल था नाम इनके दामाद, और यही प्रथम उनके शिष्य बने थे। ससुर जी महावीर थे और उनके जमाई बाबू जो हैं वो जामिल थे, उनके बेटी प्रियदर्शनी के पति बने थे वो, यानी उन्होंने शिष्य परंपरा जो है अपने घर से ही शुरू की। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। एक नैनोमीटर बराबर होता है, इसमें नैनो है तो -9 पावर होता है इसलिए। अच्छा, -9 मिलीमीटर होता है, चूँकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ था इसलिए एक पावर बढ़ गया, माइनस में सेंटीमीटर हो गया, नहीं 2 पावर हो गया, मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। 3 या 4 में होना चाहिए, नहीं गुरुत्व नहीं होता है, वही कारण काफ़ी है। अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से क्या होता है? उनकी चालकता शून्य हो जाती है, चालकता घट जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाना चाहिए। देखिए, अपद्रव्य डाला जाएगा तो वो और ज़्यादा इधर उधर करेगा और चालकता बढ़ा देगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर? भोपाल या ग्वालियर हो सकता है, भोपाल देते हैं, जबलपुर है। अच्छा, पचास में 50 क्वेश्चन हो गया है, अब रिजल्ट आना चाहिए। जो जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट शो होगा, मिलेगा कुछ नहीं, बस रिजल्ट हुआ। मैंने 28 सही मारा था 50 में, उसमें 5-7 को क्वेश्चन निकल गया था पहले ही
और फिर भी ठीक ठाक रहा। आप सब ने क्विज खेला, इतना टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से वीडियो आते रहेगा, देखते रहेगा।